श्रीगंगानगर के श्रीकरपुर कस्बे में गत कई दिनों से विद्युत विभाग द्वारा अघोषित कट लगाए जाने से खफा लोगों ने आज विद्युत विभाग के सामने धरना लगाते हुए अधिकारियों के विरुद्ध जमकर भड़ास निकाली। गौरतलब है कि कस्बे में पिछले कई दिनों से विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते बार बार समय असमय विद्युत के कट लग रहे हैं, जिससे आमजन के साथ साथ इतनी भयंकर गर्मी में बुजुर्ग, रोगी और बच्चे बुरी तरह से प्रभावित होकर परेशान हो रहे हैं। इसी तरह बीती रात भी करीब 10 बजे के बाद पूरी रात सुबह तक विद्युत विभाग द्वारा कई बार लाइट के कट लगाकर लोगों को परेशान किया गया। आमजन का आरोप है, लाइट जाने पर जब भी विद्युत विभाग के दूरभाष पर बात करने के प्रयास किए जाते हैं तो किसी भी कर्मचारी अधिकारी द्वारा फोन नहीं उठाया जाता या फिर अंगेज कर छोड़ दिया जाता है, जिससे बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बात को लेकर आज करीब 9 बजे भाजपा के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पूर्व पार्षद अल्लाह बख्श, पूर्व पार्षद अशोक गरुड़ा सहित दर्जनों लोग विद्युत विभाग कार्यालय में पहुंचे तो मौके पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था, जिससे आमजन में और भी ज्यादा आक्रोश फैल गया और वहां उपस्थित लोगों ने विद्युत विभाग के मुख्य द्वार पर धरना लगा दिया और जमकर विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। धरना लगने के करीब 1-1.5 घंटे बाद सहायक अभियंता पुष्पेंद्र सिंह, कनिष्ठ अभियंता राजेश मीणा ने धरना स्थल पर आकर प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर आश्वासन दिया कि जल्दी लाइट की आ रही समस्या का राजस्थान से जुड़ी हर खबर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रिपोर्ट एक्सक्लूसिव और पाएं राजस्थान की हर छोटी बड़ी हलचल बस एक क्लिक में सीधे आपके।